Jesus. आप सभी लोगों ने सुना होगा कि शेर शिकार करने के लिए किसी भी चीज़ के पीछे भागता है, लेकिन आज कुछ उल्टा हो गया है, बल्कि शिकार शेर के पीछे भाग गया, शेर को भागना भी पड़ा है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले शेर अपने शिकार की तरफ देखता है और फिर देखता है कि वह सामने पानी पी रहा है, वह एक बड़ा सा भैंसा है। वह शेर अपने पोजीशन लेते हुए देखता है कि भैंसे का बच्चा भी साथ में है, चलो मैं शिकार कर लेता हूँ। थोड़ी देर के बाद भैंसे का बच्चा साइड में बैठा हुआ होता है, तो फिर उसकी माँ होती है, वो साइड में पानी पीने के लिए चली जाती है और वो दोनों एक साथ चलते चलते आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन दोनों की तरफ देखते हुए शेर उनके पीछे धीरे धीरे भागता हुआ आता है। फिर थोड़ी देर के बाद दो चार शेर और उसके पीछे आते हैं और फिर वह उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं, उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन उनके पीछे बहुत सारी भैंसें भी खड़ी होती है, वो भी धीरे धीरे उनके पास आती है। शेरों की दहाड़े सुनकर वह सभी भैंसें भागने लग जाती है और फिर वह हाहाकार मचा देती है। लेकिन शेर बहुत सारे होते हैं और उन भैंसों के झुंड को कब्जे में ले लेते हैं। फिर दो तीन शेर उन झुंड के पीछे भागते हैं और फिर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन भैंसों की रफ्तार भी बहुत तेज़ होती है। फिर एक बड़ा सा शेर भैंसों की तरफ बढ़ता है और फिर उन्हें अपने बड़े से पंजे की सहायता से पकड़ने की कोशिश करता है। वह उन सभी के बीच में चला जाता है और फिर देखिए दो शेरों ने एक भैंस को घेर रखा है और फिर उसे दबा कर नीचे गिरा रहे हैं और फिर उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद बहुत सारी भैंसें आ जाती है, फिर शेर अपना मुंह उस बछड़े के मुंह में दे देता है और फिर दूसरी भैंस उसे बचा लेती है। फिर थोड़ी देर के बाद भैंसें उस शेर को भगाने लग जाती है। देखिए दोस्तों, ये मैं क्या देख रहा हूँ, इस अंधेरे में शेर है जो भैंस के आगे भाग रहा है, ना कि पीछे। शेर डर कर बहुत ही आगे भाग रहा है और बहुत भयभीत हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।